दोस्तों आज का ये वीडियो है खास उस मंदिर के बारे में जहां मौजूद है एक ऐसा खंभा जो सदियों से हवा में लटका है। चौंक गए? जी हाँ, एक खंभा, एक पिलर जिसने अपने ऊपर कुंटलों भार वाली छत का बोझ तो उठा रखा है लेकिन खुद जमीन से एक इंच का भी सहारा नहीं ले रखा। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु इस अद्भुत पिलर का कायल है और हो भी क्यों ना। जरा सोचिए, जिस खंभे पर भारी भरकम छत टिकी हुई हो और वो खंभा खुद जमीन से दूर हवा में हो तो ऐसी चीज का कोई क्यों कायल नहीं होगा। जिस खंभे के नीचे से रुमाल कुछ इस तरह से निकल जाए तो कोई ऐसे मंदिर का दीवाना क्यों नहीं होगा। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने वाले लोग विद्वान थे। उन्हें ऐसी विद्या का ज्ञान था जो ग्रेविटी के अनुकूल नहीं बल्कि उसके विपरीत काम करती थी। यही कारण है जो एक खंभा हवा में झूलते हुए भी अपने ऊपर फैली छत का भार ढो रहा है। कैसे, ये कोई नहीं जानता। मंदिर के कर्मी इसके नीचे से रुमाल को निकालकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दिखाते हैं, जिसके कारण आंध्र प्रदेश में मौजूद ये लेपाक्ष मंदिर आज दुनिया भर में ख्याति प्राप्त किए हैं। यहाँ लोग जितना भगवान के दर्शन को आते हैं उतना ही इस खंभे की अद्भुतता को भी महसूस करने आते हैं। लेपाक्षी में भगवान का वास है जिनके दर्शन को लाखों भक्त यहाँ सालाना उमड़ते हैं। हिंदू धर्म में इस मंदिर और उससे जुड़ी सभी चीजें बहुत अहम है। ऐसे में मेरा ये दायित्व बनता है कि आज मैं इस पिलर, इस खंभे का राज आप लोगों से साझा करूं। क्या कारण है वो भी बताऊंगा कि आखिर क्यों ये खंभा हवा में लटका हुआ है। बात दरअसल ये है कि ये खंभा हवा में लटका ही नहीं है, जी हाँ, ये एक अफवाह है जिसे उड़ाकर कहीं ना कहीं लोग भोले भाले भक्तों को भगवान की एक तथा कथित माया परोसने की कोशिश करते हैं। आखिर सच क्या है? दोस्तों, ये पिलर जरूर अपने नीचे से रुमाल को निकाल देता है लेकिन एक बात ये जो छुपाई गई है वो ये है कि इस खंभे से रुमाल को एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं ले जाया जा सकता। इस पिलर के नीचे गैपिंग जरूर है लेकिन फिर इस खंभे का कुछ हिस्सा जमीन से आज भी जुड़ा हुआ है लेकिन सामने देखने पर वो हिस्सा मालूम नहीं होता। इस चीज का फायदा उठाकर लोगों ने खंभे के आधे हिस्से से रुमाल को निकालकर लोगों के मन में ये भ्रम डाल दिया कि इसके नीचे रुमाल जैसी कोई भी चीज पार की जा सकती है और यही इसकी अद्भुतता का कारण है। रुमाल को आधे हिस्से से निकालकर वापस ले जाना जिस सफाई से किया जाता आया है यही कारण है कि आज भी भोले भाले लोग, भोले भाले श्रद्धालु ये मानते हैं कि खंभा हवा में लटका है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि देश को आजादी मिलने से पहले ब्रिटिश सरकार ने लेपाक्षी की कायाकल्प के लिए इस खंभे से छेड़छाड़ की थी जिसकी वजह से ये खंभा लगभग लगभग काट दिया गया था लेकिन इसकी मजबूती के आगे मशीनें दम तोड़ने लगी और इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ा। तब से लेकर आज तक ये ऐसे ही पड़ा है। धर्म की आड़ में भ्रम फैलाने वालों के लिए ऐसी चीजें किसी वरदान से कम नहीं होती जहां वे किसी के भी जज्बातों से चाहे जैसे खेल लेते हैं। इसलिए इस पिलर के बारे में भी ये अफवाह बना दी गई कि ये हवा में लटका हुआ है। जरूर भगवान ही की कोई नियति होगी जो ये खंभा हवा में लटका। धर्म में आस्था रखने वालों के लिए जब बात भगवान से जुड़ जाती है तो फिर उन्हें किसी तर्क से लेना देना जैसे बंद हो जाता है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भगवान है, उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण भी किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए ऐसी अद्भुतता का परिचय देना होगा। इसलिए हैंगिंग पिलर के बारे में अगर कोई भी ऐसी अफवाह फैलाए तो याद रखिएगा कि एक हिंदू धर्म का पालन करने वाले की हैसियत से आपका ये दायित्व अवश्य बनता है कि उसे इसका ज्ञान दे और हमारे धर्म से जुड़ी कुरीतियां फैलाने वाले को अपने इन्हीं तर्कों से मुंह तोड़ जवाब दे। लेपाक्षी के हैंगिंग का राज ये है कि इसमें कोई भी राज नहीं है। ये एक साधारण सा खंभा है जिसे लगभग उखाड़ दिया गया था लेकिन हटाया नहीं जा सका। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि धर्म के बारे में अफवाहों को फैलाने से बचाना भी धर्म की रक्षा करने जैसा ही है। धर्म सर्व है और इसकी रक्षा करना अनिवार्य है। तो दोस्तों,
ये था आज का स्पेशल वीडियो। हमारी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी हमारे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।